पपी ट्रेनर पार्ट वन। दिस इज माय स्वीट पपी क्रीमी। मैं आपको बताऊंगी कि जब हम स्टार्टिंग में पपी अडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट होता है, और हम बहुत ही सोच विचार कर, बहुत समझ कर जो हमें पसंद आता है वही पपी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब वो हमारा कहना नहीं मानता और इधर उधर उछलता है और शरारत करता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि इसे कैसे हैंडल करना है तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि टॉयज, सबसे भी इम्पोर्टेंट है पपी को उसके नाम की पहचान होना, जो कि ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट है। आप बार बार उसको टॉयज दिखाइए या कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ दिखाइए जिसको देखकर वो अट्रैक्ट हो, या फिर उसका फूड, खाना, टॉयज, कुछ भी, और उसको बुलाइए बार बार। आप 5-10 बार उसका नाम लेकर उसको बुलाएंगे खाना खाने के लिए या फिर टॉयज दिखाने के लिए, तो वो अपने आप उसके लिए अट्रैक्ट होगा, और जब 5-7 बार रिपीटेशन होगा तो वो अपना नाम पहचानने लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट है ट्रेनिंग का, जिसमें पता चल जाएगा कि पपी को उसका नाम क्या है, और उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप ट्रेनिंग का जा सकते हैं। अगर पपी को उसका नाम कंफर्म नहीं है तो उसको ट्रेन करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है। सबसे पहले उसको नाम का रिपीटेशन दीजिए, और वो टॉयज के साथ इस तरह से खेलेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये मेरा टॉय बॉम है क्रीमी, मैंने इसको बार बार क्रीमी बोल बोल के टॉयज दिखाए, फूड दिखाया, और उसके बाद की क्लिप देखिए। क्रीमी बेबी, लो लो।